नमस्कार, नीतिश कुकिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ एकदम डिलीशियस सा सॉफ्ट मॉइस्ट पाइनएप्पल केक, जो मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। मुझे लगता है सभी को पसंद आता होगा। ये देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है ना। तो चलिए पाइनएप्पल केक बनाते हैं और एक नया फ्लेवर टेस्ट कर लेते हैं। इस केक को बनाने के लिए हमें चाहिए ये पाइनएप्पल के स्लाइसेस का टिन, जो मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो मैंने देखिए इसमें से सारे स्लाइसेस निकाल लिए हैं और इसका जो जूस था वो मैंने फेंका नहीं है, साइड में रख लिया है। आप चाहें तो उसको बीच बीच में काम में ले सकते हैं। तो अब ये देखिए स्लाइसेस को मैंने पीसेस में इस तरह से कट कर लिया है। मैं लगभग 3/4 पार्ट जो है एक जार में डाल रही हूँ, बाकी मैंने 1/4 पार्ट इसका छोड़ दिया है जो हम बाद में काम में लेंगे। अब ये जो 3/4 पार्ट है ना, इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और इसकी प्यूरी जैसी बना लेंगे, बढ़िया से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए तो पाइनएप्पल के पीसेस देखिए अच्छे से ब्लेंड हो चुके हैं। तब हम इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून कॉर्नस्टार्च का पाउडर बाइंडिंग के लिए। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप पाउडर्ड चीनी और साथ ही हम डालेंगे 1/4 कप पानी। आप इसकी जगह कैन वाला जो जूस है वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है ठंडे में ही। अब मैं डाल रही हूँ उसको पैन के अंदर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर ही कुक करना है और बीच बीच में हम इसको इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से लगेगा नहीं। अगर हम थोड़ा सा भी फ्लेम बढ़ा देंगे तो ये नीचे से लग जाएगा। देखिए कितनी अच्छी थिकनेस हो गई है, बढ़िया बाइंडिंग हो गई है। इसको हम रख देते हैं साइड में। अब हम लेंगे एक केक टिन और इसको हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे वेजिटेबल ऑयल से। सब तरफ से करना है आपको, इसका जो बेस है, इसके साइड है वहाँ पर भी, और बटर पेपर लगा देंगे इसके बॉटम में भी और साइड में भी, ताकि केक के लगने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे नीचे से, वरना ये नीचे से कई बार जल जाता है। अब मैं ले रही हूँ 3 eggs और इनको मैं फोड़ रही हूँ। ये नॉर्मल टेम्परेचर पर लिए हैं मैंने। तो तीनों अंडों में से हम इसका जो योक है उसको अलग निकाल देंगे और इसको अलग से फेटेंगे, क्योंकि इसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है तो कभी कभी हमारा पूरा बैटर जो है वो फट जाता है। तो योक को हम साइड में रख देते हैं और एग वाइट जो है उसको फेटना स्टार्ट कर देते हैं। इसके लिए हम इलेक्ट्रिक बीटर काम में लेंगे ताकि अच्छे से क्रीमी और फोमी हो जाएगा। पहले हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर और उसके बाद हम इसको फिर से फेटना स्टार्ट करेंगे। देखिए काफ़ी हद तक इसमें झाग आ गए हैं, हवा भरना शुरू हो गई है। हम इसमें डालेंगे 1/3 कप पाउडर शुगर या आइसिंग शुगर, लेकिन इसको 3 बैचेस में डालेंगे। उसका रीज़न ये होता है कि एक साथ ही हम डालेंगे तो ये बैटर एकदम थिक हो जाएगा और अच्छे से फोमी या एयरी नहीं होगा। तो सेकंड बैच में डाल रही हूँ और फिर से बीट करते जाएंगे बार बार इसको हम। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना, एकदम क्रीमी। यही तो इसका राज है जो हमारा केक बहुत स्पंजी बनता है। बस अब ये लास्ट बैच था ना पाउडर्ड शुगर का, वो भी हम इसमें डाल देंगे और उसके बाद हम अच्छे से बीट कर लेंगे। तो ये आपको देखना है, ध्यान रखना है कि एकदम क्रीमी, एकदम फ्लफ़ी सा हो जाना चाहिए ये, और स्टिफ पीक्स ज़रूर आने चाहिए। बस अब इसको तो हम एक साइड में रख देते हैं और एक सेपरेट बाउल लेते हैं और उसमें हम डालेंगे 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा और इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नस्टार्च पाउडर। बिल्कुल लेवल में लेके नापना है आपको, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको। बस अब इन दोनों ही चीज़ों को एक साथ छान लेंगे ताकि ये जो हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट है बहुत अच्छे से एयरी हो जाए। लेकिन हम इसको लगभग 5 बार छानेंगे। ये मैं दूसरी बार इसको अच्छे से छान रही हूँ। जितना अच्छे से हम इसको छानेंगे ये उतना ही ज़्यादा एयरी होगा, केक हमारा बहुत ही अच्छा बनेगा। तो बस इसी तरह से आप प्रोसीजर फॉलो करते जाइए और केक बहुत अच्छा सा यमी यमी फ्लफी फ्लफी बनेगा। अब ये जो एग हमारे योक थे उसमें हम डालेंगे पिंच ऑफ सॉल्ट और इसको हम अच्छे से बढ़िया से फेंट लेंगे। बढ़िया क्रीमी क्रीमी स्मूथ सा हो जाएगा ये भी। और इसी के अंदर एग योक मिक्सचर में ही हम डालेंगे 2 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल, जिससे हमने बाकी चीज़ें भी मेजर करी हैं। बिल्कुल सेम वही स्पून मैं काम में ले रही हूँ, आपको भी ऐसा ही करना है। उसी स्पून से हम मेजर करके डालेंगे 2 टेबल स्पून मिल्क, ये भी रूम टेम्परेचर पर है तो इसको भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। तो बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबको। ये देखिए कितना क्रीमी और कितना टेस्टी लग रहा है ना ये। अब इसमें डालेंगे हम 1/2 टेबल स्पून वनीला एसेंस और 1/2 टेबल स्पून डालेंगे साथ ही इसमें पाइनएप्पल एसेंस। ये ऑप्शनल है पर हम पाइनएप्पल का केक बना रहे हैं तो इसलिए मैं इसमें पाइनएप्पल एसेंस डाल रही हूँ, इससे थोड़ा फ्लेवर बढ़ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि जो हमने एग वाइट का फ्लफी मिक्सचर बनाया था ना, उसमें से एक स्पैचुला भर के हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम कर देंगे अच्छे से मिक्स। बहुत जेंटली आपको ये काम करना है ताकि इसमें जो हमने हवा भरी है ना वो बाहर नहीं आनी चाहिए। देखिए ये हमारा बैटर बढ़िया तैयार हो गया। अब इस बैटर को हम डाल देंगे, हमारा जो एग वाइट का हमने फ्लफी बैटर बनाया ना उसमें डाल देंगे।
अब आपको बहुत धीरे धीरे इसको नीचे से ऊपर लाते हुए मिक्स करना है, ताकि इसमें जो हमने हवा भरी है ना, मैंने बताया वो नहीं निकलनी चाहिए। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके बता रही हूँ, इसलिए थोड़ा आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है, पर आपको ये काम जेंटली करना है। बस अब लास्ट बार जो है हम इसके अंदर ये मैदा वाला जो ड्राई मिक्सचर था वो हम इसको छान लेंगे। पांचवी बार जो हमने नहीं छाना था, पर ये पांचवी बार का जो मिक्सचर है इसको हम तीन बैचेस में डिवाइड करके और फिर छानेंगे, ताकि एक साथ अगर इसको डालेंगे इसके अंदर तो ये मिक्स करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और ये जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ना, इनके लम्ब्स बन जाएंगे इसके अंदर। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाएंगे, बहुत ही जेंटली आपको ये काम करना है। तो देखिए हमारा कितना बढ़िया बैटर तैयार हो चुका है। ये लास्ट वाला जो बैच है उसको भी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर और से भी मिक्स कर लूँगी। अब आप इस बैटर की अच्छे से कंसिस्टेंसी देख लीजिए, अगर थोड़ा सा आपको गाढ़ा या पतला दिख रहा है तो आप इसमें दूध थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब इसको हम डाल देंगे बैटर को जो हमने केक टिन तैयार किया है, बटर पेपर लगा के ग्रीस करके, और ये टूथपिक से इसको हम ऐसे घुमा लेंगे ताकि इसमें एयर बबल्स होंगे वो निकल जाएंगे, और टैप भी कर देंगे साथ में। अब इसको हम बेक करेंगे 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से लगभग 35 मिनट के लिए। तो लीजिए हमारा केक बिल्कुल अच्छे से बेक हो गया है। ये ऊपर से थोड़ा सा क्रैक हो गया है, पर डजंट मैटर, हमको इसको वैसे भी रिमूव करना है ऊपर की लेयर को, तो बिल्कुल भी घबराए नहीं। तो अब इसमें जो हमने बटर पेपर लगाया था उसको हटा देते हैं। देखिए कितना स्पंजी लग रहा है ना, कितना गजब का सॉफ्ट और बहुत ही स्पंजी है। तो बहुत जेंटली हम इसके बटर पेपर को बाहर कर देते हैं, और ये देखिए बस अब इस केक को हम अच्छे से ठंडा होने देंगे। उसके बाद जो ये टॉप लेयर है वो हम इसको रिमूव कर देंगे यहाँ से, ताकि ये बिल्कुल ऊपर से एकदम बढ़िया से फ्लैट हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स कितना गजब का बना है ना केक, कितना सॉफ्ट है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट है। तो बस अब हम इसकी लेयर्स काटेंगे। मैं इसकी तीन लेयर्स काट रही हूँ, और ये लेयर्स आपको ध्यान रखना है, केक जब बिल्कुल ठंडा हो जाए उसके बाद ही आप काटिए, तभी लेयर्स जो हैं बिल्कुल एकदम परफेक्ट कटेंगी। तो बस अब इसको जेंटली हम एक दूसरे से अलग कर देंगे, क्योंकि इस समय ये केक जो है बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही नाजुक होता है। तो बस ये देखिए हमारी तीनों जो लेयर्स बिल्कुल कट करके तैयार हो चुकी हैं। चलिए केक के लिए अब बना लेते हैं व्हिपिंग क्रीम। इसके लिए मैंने ये हैवी व्हिपिंग क्रीम ली है जो मार्केट में इजीली मिल जाती है। 5 से 6 मिनट मुश्किल से लगते हैं इसको बनाने में, पर इसका रेसिपी का लिंक आपको पूरी रेसिपी का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में भी। तो अब स्टिफ व्हिपिंग क्रीम में मैं डाल रही हूँ 2 बूंद येलो कलर फूड कलर की, और 2 बूंद डालूंगी मैं पाइनएप्पल कलर की, पर ये दोनों ही चीज़ें ऑप्शनल है। पर मैं पाइनएप्पल केक बना रही हूँ इसकी वजह से मैं क्रीम को थोड़ा सा येलो कलर देना चाह रही हूँ, और इसमें फ्लेवर भी मैंने पाइनएप्पल का दे दिया है। इससे केक का फ्लेवर बहुत बढ़िया हो जाएगा और टेस्टी लगेगा। थोड़ी सी क्रीम हम लगा देंगे रोटेटिंग टेबल पे, तो उससे क्या होगा, ये केक जब हम इसकी फिनिशिंग करेंगे तो ये मूव नहीं करेगा। तो पहली लेयर हमने लगा दी, और इसको अच्छे से मॉइस्ट करेंगे शुगर सिरप से। इससे क्या होगा कि केक जो है एक तो मीठा भी हो जाएगा और दूसरा बहुत सॉफ्ट बनेगा। अब ये जो व्हिपिंग क्रीम थी ना लाइट क्रीम कलर की, उसको मैंने पाइपिंग बैग में भर करके इस तरह से फैला दिया है। उससे क्या होता है, बहुत आसानी से इसको स्प्रेड करा जा सकता है। उसी तरह से ये जो हमने पाइनएप्पल का थिक मिक्सचर बनाया था उसको भी मैंने पाइपिंग बैग में भर दिया है। तो देखिए कितना आसान हो जाता है काम करना। बस अब इसको भी हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, ये जो बीच में हमने कैविटी बनाई थी वो भर दी है। चलिए अब सेकेंड लेयर लगा देते हैं, और इसको भी अच्छे से मॉइस्ट कर देंगे शुगर सिरप से, और उसके बाद इसके ऊपर भी हम व्हिपिंग क्रीम लगाएंगे बिल्कुल वही पाइपिंग बैग से, और इसको अच्छे से फैला देंगे ये देखिए ऐसे। और अब हम लगाएंगे इसके ऊपर पाइनएप्पल के पीसेस जो हमने बचा के रखे थे थोड़े से, वो हम लगा देंगे। लेकिन इन पाइप ये जो हमारे पाइनएप्पल के पीसेस है ना, इनके बीच बीच में गैप है, तो इसको हम अच्छे से फिल कर देंगे हमारी व्हिपिंग क्रीम से, ताकि जब हम केक को कट करके खाएंगे तो बीच में गैप नहीं आएगा। तो लीजिए बिल्कुल बढ़िया से मैंने इसको सरफेस को एकदम स्मूथ कर लिया है। ये आपके हाथ में है कि आप कितनी अच्छे से फिनिशिंग कर सकते हैं। तो लास्ट वाली जो लेयर है हमारी वो भी मैं इसके ऊपर रख रही हूँ, और उसको भी मैं मॉइस्ट कर रही हूँ। ये देखिए बस अब लास्ट वाली जो लेयर है उसके ऊपर भी हम केक क्रीम लगाएंगे अच्छे से, और पूरी तरह से हम कवर कर देंगे। अगर आपके पास ये केक नाइफ नहीं है तो घर में कोई भी स्पैचुला हो तो आप ये काम उससे भी कर सकते हैं। मैं पहले उसी से ही ये काम करती थी, डोसा बनाने वाला जो स्पैचुला है उसी से ये काम करती थी।
साइड में भी हम केक क्रीम लगाएंगे, स्क्रैपर से बिल्कुल स्मूथ बना देंगे। आप एटीएम कार्ड भी इसीलिए काम में ले सकते हैं। हो गया ना, देखिए काफ़ी हद तक ये स्मूथ। फिनिशिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो लीजिए फिनिशिंग हमारी हो गई। अब लास्ट में हम डाल रहे हैं इसके ऊपर पाइनएप्पल का थिक मिक्सचर। और मैं बहुत ज़्यादा डेकोरेट नहीं करने वाली हूँ इस केक को, बिल्कुल सोबर सिंपल बनाना चाह रही हूँ, क्योंकि ये पाइनएप्पल है। बस थोड़ी सी चेरी लगा दूँगी। ये लीजिए हमारा पाइनएप्पल केक रेडी हो चुका है, बहुत ही सॉफ्ट मॉइस्ट। अब काट के दिखाती हूँ आपको कि कितना यमी और डिलीशियस लग रहा है। ये देखिए कितना आसानी से कट गया है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको इसकी एक जो हमारी पेस्ट्री बनकर तैयार हुई है, कितनी पाइनएप्पल की जो पेस्ट्री केक हमारा बनाया ना, बहुत ही यमी है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर लीजिए मेरी नोटिफिकेशन के लिए। बाय बाय।